ब्रेकफास्ट करके वो तीनों आशी के घर से जा रहे होते हैं। शिंजे अचानक से वापस आके आजिंग से पूछता है क्या वो उसे उसके दिल में जगह दे सकती है। आजिंग कहती है अगर वो ना कहे तो। शिंजे बहुत कॉन्फिडेंट होके कहता है वो ना कह ही नहीं सकती। कह सकते हैं दोनों की फीलिंग्स धीरे धीरे ग्रो करने लगी थी। आशी जब नींद से उठती है तब उसे कुछ भी याद नहीं होता। आजिंग के मुँह से वो जब सुनती है उबई ने उसकी कितनी केयर की थी, तब शी वॉज लाइक क्या इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं आयशी जब ऑफिस आती है तब उसके सारे कलीग्स उसे सर पे बिठाने लगते हैं। सभी आके उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। आयशी की पास वाली कलीग सबको भगा देती है और खुद उससे ऑटोग्राफ मांगने बैठती है। ऐसे में आयशी का बॉस आके इसे कॉफ़ी देती है क्योंकि ये आयशी की थोड़ी करीब होती है। वो आयशी के लिए भी उसका मन पसंदीदा कॉफ़ी लेके आए थे। आयशी तो जैसे उनका आँखों का तारा बन चुकी थी। वहाँ ये दो बच्ची उबई के लिए इंतजार कर रही होती है। दरअसल इनमें से एक उबई के साथ आंखों की सर्जरी के टाइम एक ही रूम में थी। वो उबई को अपना भैया भी मानती थी, तब से ही वो उसे अपना आइडियल भी मानती थी। उसने ऑपरेशन के बाद उबई को देखा नहीं था, इसलिए रेस्टोरेंट में जो भी आ रहा था उन्हें लग रहा था वो उबई है। पर वो उबई ना होने पे दोनों ही उदास हो पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सच में उबई आता है और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। आयशी इन्हें कैंपिंग के लिए ले जाने वाली होती है तो ये उबई से भी आने के लिए पूछती है, क्योंकि उबई का क्लब हाउस वो कैंपिंग के पास ही होता है तो उबई भी जाने के लिए राजी हो जाता है बिना ये जाने कि उनकी टीचर आयशी होती है। शेर से पहली बार उबई के क्लब हाउस आया होता है, चारों तरफ देख के वो इम्प्रेस हो जाता है। किचन में जोई पॉपकॉर्न बना रहा होता है। शेर से आया है सुन के वो पॉपकॉर्न लेके बाहर जाने लगता है और शिंजे भी इसी तरफ आने लगता है। फिर दोनों में टक्कर लग जाती है और सारा पॉपकॉर्न नीचे गिर जाती है। शिंजे उबई को डिनर पे ले चलने के लिए कहता है पर उसके पास पैसे नहीं होते। तब वो शिंजे से पैसे मांगता है जो उसने फोटो लेने के बदले उसे दी होती है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने के लिए उबई शिंजे को अपने मैनेजर के पास ले आता है। बाद में वो उबई को अलग से ले आती है बात करने। शिंजे के टीम ज्वाइन करने पे वो भी खुश थी। उबई अपने मैनेजर से उसकी आधी सैलरी शिंजे को देने के लिए कहता है और ये बात उससे सीक्रेट ही रखने के लिए कहता है। पर शिंजे को पता था उबई ऐसा कुछ करने वाला है, इसीलिए वो उसकी सैलरी क्लब के फंड के लिए रखना चाहता था और ये बात वो भी सीक्रेट रखना चाहता था। मैनेजर दोनों का सैक्रिफाइस देख के हैरान होती है। बाद में उबई अपने टीम मेंबर के लिए स्पीच देता है और फिर ये चारों मिलके चीयर करते हैं। अगले दिन आयशी बच्चे को लेके यहाँ चली आती है। उन्हें रात को ही लौटना होता है पर गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें वही कुछ इंतजाम करने की जरूरत पड़ती है। इसी बीच बच्चे को भूख लग जाती है और आयशी उनके लिए खाने का इंतजाम करने जाती है। इसे उबई का ख्याल आता है तो अपने फोन से उसे फोन करने जाती है, पर बैटरी डाउन होने की वजह से वो आयशी का फोन ले आती है बात करने के लिए। वो दोनों देखते हैं उबई का नंबर पहले से ही उस फोन पे सेव था। उबई भी आयशी के फोन से कॉल आते देख नर्वस होने लगता है। बाहर आके वो प्रिपेयर होने लगता है बात करने के लिए, पर उसे पता चलता है वो दोनों आशी के स्टूडेंट है। ये उबई को जल्दी से उनके लिए खाना लेके आने के लिए कहती है। वह आयशी सबके लिए खाने का सामान ढूंढने यहाँ चली आती है पर सिवाय आलू के उसे कुछ भी ठीक से नहीं मिलता। ये दोनों यहाँ पे आते हैं डक देखने। उनके बच्चे बहुत क्यूट दिख रहे थे इसीलिए ये दोनों गेट खोल के उन्हें छूना चाहते थे, पर गेट खोलते ही सारे बेबी डक बाहर आने लगते हैं। ये दोनों उन्हें अंदर डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े डक होते हैं वो सब इनके पास आने लगते हैं और ये दोनों डर के मारे चिल्लाने लगती है। फिर आयशी आके उन्हें बाहर भेजती है और खुद सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, पर सारे डक मिलके उसकी जो हालत करते हैं वो देखने लायक होती है। बेचारी क्या करने आई थी और क्या कर रही होती है। ऐसे में उबई आके उसे इस हालत में देख के मुस्कुराने लगता है। आयशी उबई से पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। उबई कहता है उसे यहाँ पे
लगाया गया था। आशिक की स्टूडेंट आके पूछती है क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर दोनों एक साथ हाँ और ना कह उठते हैं। दोबारा पूछने पे फिर से दोनों ऑपोजिट बोलते हैं। फिर आशिक कहती है वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। ये दोनों बाहर आके देखते हैं। उबई के रोबोट को देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। बातों ही बातों में उबई आशी से कहता है वो इस हालत में बहुत क्यूट लग रही है। बाद में उबई शिंजे को फोन करके उन्हें खाने के लिए सब सामान लेके आने के लिए कहता है। फिर जोई सबके लिए खाना बनाने लगता है। उबई आशी को अपने क्लब हाउस चलने के लिए कहता है फ्रेश होने के लिए। आशी भी राजी हो जाती है। उबई अपना कपड़ा आशी को पहनने के लिए देता है पर आशी को वो फिट नहीं आ रहे थे। उबई आशी को ऐसे करीब लाके उसका ड्रेस ठीक करने लगता है। फिर वो शर्ट का हाथ ऐसे फोल्ड कर देता है। आशी उसे कुछ भी नहीं कहती, मतलब रोकती नहीं है। दोनों में पुराने दिनों की बात होने लगती है। आशी उससे जानना चाहती है वो उस दिन के बाद कहाँ गायब हो गया था। उबई भी एक एक करके सब बताने लगता है। वैसे सर्जरी की बात नहीं बताता वो। आशी कहती है वो दोनों अभी तक एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते हैं। वो उबई से उसके बारे में जानना चाहती है। उबई भी अपने बारे में बताने लगता है। आशी उबई से पूछती है वो यहाँ वापस क्यों आया। उबई कहता है यहाँ पे कोई ऐसा रहता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। आशी को थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा होता है पर उबई जब उसके करीब आके उसे हिंट देने की कोशिश करता है तब आशी थोड़ा थोड़ा समझने लगती है। पर जोई आके सारा मूड बिगाड़ देता है। वो नॉन स्टॉप आशी से बात करती ही जाता है। फिर उबई उसे इशारा करके भगा देता है। दोनों में फिर से रोमांटिक पल क्रिएट होती है और जोई आके फिर से मूड बिगाड़ देता है। उबई आशी को कैंप छोड़ने आता है। दोनों को जैसे मन ही नहीं कर रहा था एक दूसरे को छोड़ के जाने को पर आशी उबई को यूं पीछे मुड़ के रह के गुड बाय बोलने के लिए कहती है ताकि बात और आगे ना बढ़े और दोनों सोने जा पाए। वैसे नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी, दोनों ही एक दूसरे की याद में खोए हुए थे। ये उठ के आयशी से कहती है उबई उसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। तो क्या वो भी उबई को बताने वाली है कि वो उससे प्यार करती है। आयशी कहती है कल देखा जाएगा। अगले दिन उबई का टीम और आयशी के स्टूडेंट मिलके एक्सरसाइज करते हैं। फिर उबई उन सबको अपने क्लब हाउस लेके आता है। फिर बच्चों को रोबोट के बारे में समझाया जाता है। रोबोट को लेके खेलते हैं सब। फिर सभी मिलके डांस करते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ पिक्चर लेते हैं, कह सकते हैं बहुत एंजॉय करते हैं वो सब। जाते वक्त उबई जल्दी से आके आशी का हाथ पकड़ता है, शायद कुछ कहने वाला था पर उसके मुंह से बस सिर्फ जर्नी ही निकलती है। वहाँ सोलो ये घर खरीदता है क्योंकि इसके साथ उसकी टीम मेंबर की खास करके आशी की यादें जुड़ी थी। सोलो को अभी भी लग रहा था आशी उसके पास वापस आ सकती है। सोलो आशी के घर के सामने उसके आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि इसे नया घर लेने का मतलब उनका सपनों का घर लेने की खुशी आशी से शेयर करनी होती है। आशी उबई के साथ मैसेज में बात करते करते आ रही थी। सोलो उसके लिए फ्राइड डंपलिंग्स लेके आया था पर वो देखता है आशी ऑलरेडी खा रही है पर फिर भी आशी उससे ले लेती है। सोलो को बिल्लियों से एलर्जी थी पर आशी ये बात भूल गई थी। सोलो का तो दिल ही टूट जाता है ये जान के कि आशी उसके बारे में ये बात भूल चुकी है, इसलिए वो अपनी खुशी अपने दिल में ही दबा के रखता है। वैसे उसका ये घर लेने की खुशी और उसे खुशी नहीं दे रही थी, उसका सारा मूड बिगड़ चुकी थी। बाद में आयशी सोलो का दिया हुआ डंपलिंग्स अपने बहन को दे देती है। फिर दोनों में कल क्या क्या हुआ था उस बारे में बात होने लगती है।